योगीराज जी, श्री श्री रविशंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही कि ये जो बहुत सारी घटनाएं एक के बाद एक आ रही हैं, किस तरह से देखते हैं आप? क्या एक भटकाव है जो इस समाज में, इस साधु समाज में देखा जा रहा है? क्या रास्ता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर इस पे? देखिए, फर्जी साधुओं का तो सिलसिला रामायण से चला आ रहा है। रावण भी फर्जी साधु बन के ही सीता जी को फंसाया रावण, तो ये मगर ये अच्छा हुआ देश के लिए, देश के हित में अच्छा है। फर्जी वाले सब पूरी चीजें बाहर आ जाएं, तो जितना जल्दी ये सब एक्सपोज हो जाता है उतना ही अच्छा है समाज के लिए। जी, लेकिन श्री श्री रविशंकर जी, साधुओं के ओड में आकर के लोगों को ठगना, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। जी, लोगों का भरोसा उठ रहा है। एक तो वो पक्ष है कि अच्छा है, खूब, अगर ऐसे लोग हैं तो उनका चेहरा, असली चेहरा सामने आना चाहिए। लेकिन एक ये पक्ष भी है कि जो लोग बहुत निष्ठा के साथ अब तक पूछते थे, एक इशारे पर नाचते थे कि मेरे स्वामी मेरे गुरु हैं, मुझे राह दिखाएंगे, उनका तो भरोसा टूट रहा है। रवि, जिनका भरोसा उठ रहा है, मैं उनको ये कहूंगा, देखो भाई, फर्जी साधु तो एक रावण एक ही था, मगर उस जमाने में वशिष्ठ भी थे, विश्वामित्र थे, बहुत सारे ऋषि मुनि थे, मगर राम का कभी आस्था उठा नहीं। अगस्त्य थे, ये सब ऋषि मुनियों के पास जाते ही रहे। श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ये दिखा के एक आदर्श स्थापित किया है। देखिए, फर्जी डॉक्टर भी होते हैं, जैसे निटिहारी में, वहाँ नोएडा में हुआ था, कुछ फर्जी डॉक्टर ने इस तरह का लोगों को कर दिया, किडनी वडनी चोरी कर देते हैं, मगर अच्छे डॉक्टर भी तो होते हैं। तो हम इसी तरह किसी तरह से एक भय में नहीं आना चाहिए। कुछ आतंकवादी मुसलमान है तो सभी मुसलमानों को आतंकवादी कहना जितना गलत है, वैसा ही है कि सभी साधु समाज ही गलत है ये कहना जो ना बेवकूफी होगी। और श्री श्री रविशंकर जी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। श्री श्री रविशंकर जी, ये जो दिल्ली में जो एक बाबा पकड़ा गया है, वो पहले भी यही सब काम के लिए पकड़ा गया था। उसको ये लगा कि अगर मैं धर्म के नाम पर अपनी दुकान सजा लूंगा तो शायद बहुत सुरक्षित रहूंगा। ये भी अपने आप में एक बीमारी है, उनको लगता है कि बहुत प्रोटेक्टेड है, पुलिस भी जल्दी मुझे नहीं पकड़ेगी। इस बीमारी का क्या इलाज है? हाँ जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि कई लोग, जैसे ये बाबा था, इसका काम कुछ और ही था पहले, ये कुछ और करता था। जब एक दो बार पकड़ा गया तो इसने सोचा कि अगर मैं साधु बाबा के भेष में घूमूंगा तो लोग मुझे नहीं पकड़ेंगे, मुझ पर शक नहीं करेंगे। तो इस बीमारी का क्या इलाज है? नहीं, ये तो ना आस्था के साथ खिलवाड़ है। कई लोग जब करने के लिए कुछ नहीं है तो बाबा बन जाते हैं और या साधु संन्यासी बन जाते हैं, मगर वो लोग, मगर इनको इस तरह से पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे, लोगों को समझ में आ जाती है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि लोगों में एक हमें शिक्षा देनी चाहिए, आप सिद्धांत पर चलो, व्यक्ति से सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यद्यपि व्यक्ति व्यक्ति से चलता है, सिद्धांतों से नहीं, मगर सिद्धांत पर, ज्ञान पर, ध्यान पर, प्रक्रिया पर अंतर्मुखी होना है। साधु वही है जो सबको अंतर्मुखी करवा दे, सेवा की तरफ प्रेरित करवा दे, और वो सात्विक गुण जहाँ नहीं है और चमत्कार के को दिखा करके, चमत्कार इधर उधर करके कुछ देने का करने का इस तरह से वायदा करते हैं, तब उस जाल में फंसने से बच के रहना चाहिए। यानी आप अच्छा, मानते हैं कि एक बात यह है कि ये जो फर्जी लोग जितने हैं, इनसे ये सीखना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ लोगों से ये सीखना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो ये इस तरह से करने से इनके प्रति भी द्वेष में रहना उचित नहीं है। किसी के प्रति भी नफरत द्वेष करने से खुद के मन को, खुद के चित्त को ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ऐसे जो लोग जो खुद गड्ढे में गिर के हमें चेतावनी दे रहे हैं समाज को, तुम इस तरह से गलत रास्ते पर न चलो, उनके प्रति भी हमारे मन में जो है एक करुणा के भाव ही होना चाहिए, और उनको नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए हमें। जी, यानी आप ये मानते हैं कि भगवान मत मानो, भगवान मानोगे तो दिक्कत होगी। सोच के जी, हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि भगवान मत मानो, वो माध्यम हो सकता है, वो आप पूजा आपको सीख दे सकता है, लेकिन भगवान मत बनाओ उसको। नहीं, देखिए, हमारी जो देश की फिलॉसफी ये है, अहम ब्रह्मास्मि, भगवान सब जगह है,
एक अतिथि में भी है, आचार्य में भी है, माँ बाप में भी है, सब में भगवान है। ये भगवत्ता की जो सिद्धांत को ही हमारे देश में इतना ऊंचा रखा गया है, पेड़ पौधे नदी पहाड़ सब भगवानमय है यहाँ पर। इसी तरह से एक अतिथि को भी भगवान ही मानते हैं, ऐसी बात नहीं। भगवान और नहीं मानो ये माने उनको इतना मत कर लो अपने दिमाग में कि वही सर्वे सर्वा है। भगवान सब में है तो तुझ में भी है, और तुम अपने आप में भगवान को देखो भाई। ये तो अपना मूल सिद्धांत है भारत का स्वामी जी। माता पिता गुरु और अतिथि में तो भगवान को देखो, मगर वहीं नहीं रुकना, अपने में देखना शुरू। और सच्चे गुरु यही करते हैं कि अपने में भगवत्ता को दिखाते हैं। स्वामी जी एक प्रश्न ये है कि धर्म जो है, जो संत परंपरा है, वो हमारे देश में हमारी संस्कृति में वैराग्य और त्याग की परंपरा है। राजपाट छोड़ करके विश्वामित्र जैसे ऋषि जो है वो जंगलों में चले जाते हैं, या जो ऋषि जिनका भी आपने जिक्र किया, अगस्त पुलस्त आत्री और वाल्मीकि, सब जो है जंगलों में त्याग के साथ जीवन बिताते थे। लेकिन मौजूदा समय में धर्म जिस तरह कारोबार में बदल गया है, अब तुलसीदास जी की बात सच हो गई है कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, यानी जो गृहस्थ है वो तो दरिद्र हो गया, और तपस्वियों के बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े आश्रम, और उनकी जीवन शैली पूरी 5 सितारा जीवन शैली हो गई है, और वो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जाके ठहरते हैं, 5 स्टार जीवन शैली है, उससे टेम्पटेशन में आके ऐसे तमाम फर्जी लोग इस दिशा में पढ़ते हैं। इसके प्रति आपकी क्या राय है, इसको कैसे बदलना चाहिए? देखिए देखिए, पुराने जमाने में बड़े ऋषियों के आश्रम में 10-10 हजार लोग रहते थे। एक एक ऋषि के आश्रम में गोत्र कहते थे कि 10-10 हजार। जैसे वशिष्ठ हुए, विश्वामित्र, वशिष्ठ ऋषि आए तो जनक के साम्राज्य में, वो बोले सारे गाय को, 1000 गाय को लेके चलो अपने आश्रम में, बोले। ये नहीं है, देखिए दरिद्रता में रहने से ही कोई महत्वता किसी को आ जाता है, ये कहने से हर भिखारी हर संत से ऊपर चढ़ के बैठ सकता है, ये बात नहीं है। संपत्ति का सदुपयोग कर रहे हैं कि उसको ऐशी में वो खर्चा कर रहे, ये बात अलग है। संपत्ति होना कोई पाप नहीं है, और बड़े बड़े मठ होना, मठ अपने लिए, एक साधु के लिए एक कमरा काफी है, मगर इतने भक्त आते हैं, भक्तों को सुविधा सेवा करने के लिए तो कमरे बनाते हैं बड़े बड़े मठों में। साधना के लोग दुनिया में त्रस्त होके थके हुए लोगों को एक वहां विश्राम मिलता है, मानसिक आत्मिक, जहां बैठ के वो अपना दुख भूले, साधना करें। इसीलिए आश्रमों में कमरों के सुविधाओं के एक सिलसिला बना है, और उसको एक गलती करके तो नहीं मानते, मगर हाँ कोई इस तरह से व्यवहार करे, अश्लील व्यवहार करे और संपत्ति में खो जाए कि मूल बात छोड़ करके, यदि फोटो का फ्रेम फोटो को ही खा जाए तो ये बहुत बड़ा अपराध है जी। तब तो पूरा उलट गया जी। श्री श्री रविशंकर जी, वो सवाल जो पहले भी उठा था कि क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है, एक सेल्फ मैकेनिज्म आ सकता है, क्योंकि देर शाम बात चल रही थी कि कुछ कमिटी बने जो तय करे, जो देखे, जो जरा सेल्फ मॉनिटरिंग भी करे, क्या कुछ ऐसा इस दिशा में आप भी कोई पहल करेंगे, कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप? नहीं, ये लग रहा है आजकल ये बहुत जरूरी पड़ गया है, इस तरह का एक समिति बना के प्रतिष्ठित जो संत है देश के, वो सब मिल करके इस धर्म की रक्षा करने के लिए कोई कदम उठाने की बात तो चल रही है जी। इस तरह से फर्जी लोगों से लोगों को चेतावनी देने की एक विचार तो है। इस बारे में कुछ आपने भी सोचा है, कुछ पहल आप भी करने की सोचेंगे, क्योंकि जिस तरह से सब कुछ जा रहा है आप भी उससे बहुत चिंतित है, जाहिर है। हम जरूर सहयोग देंगे, जो भी सहयोग हमसे चाहिए, देश के हित में जो भी करना है, जनहित में, हम पूरा तैयार है उसके लिए।